हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं आप लोग के बीच में हैप्पी न्यू ईयर, जो कि नया साल मुबारक आप सभी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों के, जो कि मॉर्निंग ब्लॉग में आए हो आप सभी को देखने के बीच में, जो कि हमारे रोड भी बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ, कहीं न कहीं लोगों के बीच में जो कि सब घूमने और फिरने के मौका मिले हैं। तो सभी गाइस बने हुए दिख सकते हैं, अपने अपने गाड़ी में घूमने फिरने के जा रहे हैं। थोड़ी बहुत उस टाइप का नहीं, जिस टाइप का एवरीडे रहते हैं बाजार माहौल, गाड़ी घोड़ा चलते हैं रोड के बीच में, तो उस टाइप का नहीं है गाइस। आप देख सकते हैं कैमरे की ओर में भी, जो कि बहुत कम गाड़ी चल रही है, जो कि नज़र आ रहा है अभी सुबह सुबह ने, तो ये वक्त है कि गाड़ी पे गाड़ी लगे हुए रहते हैं गाइस। और आप सभी को भी मैं दिखाते रहता हूँ, तो आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही कम है। अब उसके बाद देखा जाए, आप तो अभी तो जस्ट फॉर ये मॉर्निंग हुआ है, पर अभी तक तो कुछ रीज़न नहीं मिला है, क्योंकि मॉर्निंग ब्लॉग में भी एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और कहीं न कहीं लोग व्यवस्थित हैं और बिल्कुल रहना चाहिए, जो कि ये नए साल का बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएँ हो आप सभी गाइसों के बीच। तो फिर आप लोग सभी गाइस बने हुए रहे और वीडियो में एंड तक लगे हुए रहिएगा गाइस। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मैं आपकी ओर थोड़ा सा रोड का ऊपर अपोजिट में जाना चाह रहा हूँ, श्री राम स्टोर। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी काफ़ी सारा आज रोड की सन्नाटा छाया हुआ है, और हमारा ये रोड जो कि कबाड़ के रख दिया है, देख सकते हैं गाइस, जो कि और ये इसका काम भी देख सकते हैं कि बंद हो चुका है, जो कि सिर्फ फोड़ के रखा गया। और इसमें बहुत सारा परेशानी भी होती है रोड में गाड़ी चलने वाले के लिए। आप देख सकते हैं कोई भी मोनोग्राम स्टिकर नहीं मारा हुआ, जो कि अंदर घुसा हुआ, तो काफ़ी प्रॉब्लम चलती है, जो कि ऑडियंस के बीच और पब्लिकों के बीच। तो गाइस ये सब कबाड़ के रख दिए, 7-8 रोज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, और यहाँ से गाड़ी भी नज़र नहीं आ रहा है गाइस। तो फिर अब देख सकते हैं कि कब गाड़ी आ रही है, कब फाइनली ये काम हो रहा है रोड के बीच में। तो फिर मैं आप लोगों के बीच में जस्ट फॉर दिखाऊंगा कि यहाँ फाइनली हो चुका है। कहीं न कहीं गड़बड़ है, हम लोगों के बीच में थोड़ा सा असुविधा होती है, जो कि गाड़ी रात दिन चलती है इस रोड में, तो आने में थोड़ा सा जाने में दिक्कत होती है, जो अचानक ब्रेक लगते हैं, अचानक लोग चकमा खा जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों की ये सायरन मिलती है कि हाँ गाड़ी वाला को धोखा मिल रहा है घर के अंदर से, क्योंकि जस्ट फॉर हमारा घर बगल में दिख सकते हैं कि 20 मीटर दूरी में घर रूम है, तो जाहिर सी बात है कि पता चलेंगे ही चलेंगे, हम रहे, आप रहे, कोई रहे, अदरवाइज तो होनी चाहिए। ये जो बाजार दिखने को मिल रहा है नया साल का, तो अब तक तो मैं घरे में हूँ गाइज, और मैं बाहर निकला नहीं, पर बाहर निकल के भी आप लोगों को बीच में दिखने और दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा गाइज, फिर मैं आगे की ओर दिखाने के तैयारी रहूँगा। और जैसे कि अभी गाड़ी तो बहुत सन्नाटा छाया हुआ, और ठंड की जो वातावरण है वो एकदम कंपलसरी आज से बढ़ गया, जो कि हवा चल रही देख सकते हैं आप, और रात में कुछ अलग आज की मौसम रहेंगे, जो कि आज से लोगों को लगेंगे कि हाँ ठंड आ चुका है बुरी तरह, क्योंकि सभी लोग को आज ही से लगेंगे, क्योंकि हवा भी चल रही, कहीं ना कहीं बादल हट गई है, इस वजह से हवा चल रही, तो हवा चलने से जाहिर सी बात है कि ठंडी बहुत ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। तो गाइस जैसे भी हो काटना तो पड़ेगा, पर हाँ सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना नए साल की जो है कि सेलिब्रेट को अच्छे से मनाइए, घर में हो या बाहर में हो या कहीं भी हो, नए जगह सभी गाइस को मनानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन में इसे काला दिन कहते हैं, तो लगे हुए रहना चाहिए। अंग्रेज़ तो चले गए, नमूना छोड़ दिया हमारे इंडिया में, तो सब लगे हुए रहते हैं, उसी को फॉलो करते हैं जो चल के किया है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों में कुछ ज़्यादा ही खासियत थे, जो कि उसका रंग रूप में हमारे देशवासियों ने भी फॉलो करते हैं और चलते हैं, तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, क्योंकि चलाक लोग, काफ़ी लोग, हर कोई व्यक्तिगत बनने चाहते हैं और बनना भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। तो गाइस सभी दिख रहे हैं कि घूमने फिरने की ओर निकल गया, आज तो फाइनली दिख सकते हैं कि सारा तरफ बंदी का माहौल नज़र आ रहा है, तो गाइस सभी घूमने फिरने की ओर चले गए इसके वजह से। तो दिख सकते खाली हमारा सिर्फ पड़ोसी में एक श्री राम स्टोर है, जो कि खुला है, तो ये अपना घर है, ये अवेलेबल
थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने दुकान में टाइम पास करते हैं और चलते हैं। इसको इस तरह नहीं चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रॉपर धंधा बिजनेस ज़मींदार है, प्रोफेसर साहब का लड़का है, वकील साहब है, एडवोकेट। तो कहने का मतलब ये तो एक ये टाइम पास के लिए अपने घर के पास एक दुकान खोला है, जो कि इसका होलसेल होता है, रिटेल बहुत कम होते हैं। तो हर व्यक्तिगत को बने रहने चाहिए गाइस, में आप सभी के बीच में भी बने रहते हो, तो आप लोगों को दिखने और दिखाने का काम करते हैं। और देख सकते हैं कि श्रीराम स्टोर का स्टाफ जो है वो देख सकते हैं बैठ के धुप्पा खा रहे हैं कहीं ना कहीं। गाइस ये भी मौजूद है जो कि अपना ड्यूटी है तो ये कर रहे हैं और अपना धुप्पा ले रहे हैं, क्या करेंगे। बाद में जो प्रोग्राम है घर में तो जाहिर सी बात होंगे ही, टाइमली जैसे टाइम होंगे फिर ये चले जाएंगे बंदा। तो हर किसी का टाइम का महत्व है, तो टाइम ही सबसे बड़े चीज़ होते हैं गाइस, जो कि टाइम का कहीं ना कहीं ये भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो सभी गाइस अदरवाइज लगे हुए हैं, तो होनी चाहिए ये सब। और बाकी मैं आगे के बीच में भी फिर दिखाने का प्रयास करूँगा, तो आप सभी बने रहे गाइस, क्योंकि मैं अभी फाइनली नाश्ता वास्ता करके सारे तैयार हो करके मैं जस्ट निकलूँगा अपनी ओर शहर की। तो फिर आपको देखने और दिखाने का प्रयास करूँगा, आप लोग बने रहिए गाइस। तो मैं सभी गाइसों को दिखने को काम करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना ज़रूर, और वीडियो में चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, ताकि शायद कहीं ना कहीं आपको पिछले नोटिफिकेशन मिल सके, तो आप लोगों के बीच फिर मैं आ सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच बुला सकें। तो फिर मैं चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। बहुत जल्द आपको मैं 3 घंटा के बाद शहर घूम के आपको वीडियो को अपलोड करते हैं, और आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।